आपने देखा होगा आजकल लोग बहुत ज्यादा हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल गेमिंग के लिए कर रहे हैं बट जब बात आती है एक बढ़िया हेडफोन खरीदने के लिए अपने लिए तो मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कुछ ईयरफोन है कुछ हेडफोन है कुछ एयरपोर्ट्स है कुछ टी डब्ल्यू है कुछ वायर्ड है तो कुछ वायरलेस है मतलब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपका दिमाग खराब हो जाता है तो यार गेमिंग के लिए कौन से हेडफोन बेस्ट है किस टाइप के हेडफोन हमें बाय करने चाहिए और गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कौन से ईयरफोन बेस्ट है तो डोंट वरी मैं हूं ना तो आज इस वीडियो में मैं आपको हेडफोन और ईयरफोन्स बाइंग गाइड बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट ईयरफोन या फिर हेडफोन सेलेक्ट कर सको तो हेलो गाइस मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है तो किस टाइप के हेडफोन्स और किस टाइप के एयरफोन्स आपको बाई करने चाहिए उससे पहले आपको ड्राइवर के बारे में जरूर पता होना चाहिए अब यहां पर मैं गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हेडफोन और ईयरफोन में यूज किए जाने वाले ड्राइवर्स की यस अब यहां पर आप पूछोगे यार ये ड्राइवर क्या है आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई हेडफोन और ईयरफोन बाई करते हो तो वहां पर अक्सर लिखा हुआ होता है कि इसमें एट एम एम का ड्राइवर दिया गया है नाइन एम एम का ड्राइवर दिया गया है टेन एम एम या फिर ट्वेल्व एम तो आखिर में ये ड्राइवर क्या है इसका क्या यूज it ये आपको पता होना चाहिए तो देखो यार बड़ा ही सिंपल है किसी भी इोन और हेडफोन में जो ड्राइवर होता है दोस्तों उसका बेसिकली यूज होता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक ऑडियो फॉर्म में, में कन्वर्ट करना ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रही है उसे ऑडियो में कन्वर्ट किया जा सके और आपको वो सुनाई दे या फिर आप उसे समझ सको अब ऐसे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पास आएगा क्या आप उसे समझ पाओगे नहीं तो यहां पर उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए एक ऑडियोबल यहां पर फॉर्म में ऑडियोबल साउंड में यहां पर ताकि आप समझ सको तो ऐसी जगह पर दोस्तों यहां पर ड्राइवर का यूज किया जाता है अब नॉर्मली किसी भी हेडफोन या फिर ईयरफोन में जो ड्राइवर है वो तीन मेन चीजों से मिलकर बना होता है एक होता है मैग्नेट दूसरा होता है वॉइस कॉइल और तीसरा होता है डायफ्राम और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही दोस्तों एक ड्राइवर बनता है और जो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है दोस्तों वो उसे एक ऑडिबल सिग्नल में ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट कर देता है अब देखो यार किसी भी हेडफोन और ईयरफोन में ये जो ड्राइवर होते हैं इसके भी कई सारे टाइप होते हैं जैसे कि डोल ड्राइवर डायनेमिक ड्राइवर इलेक्ट्रोस्टेटिक ड्राइवर हाइब्रिड ड्राइवर मतलब इतने सारे यहाँ पर ड्राइवर टाइप्स है अगर मैं आपको एक एक करके इन सभी को समझाऊंगा ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता यार आपका दिमाग खराब हो तो आपने नोटिस किया होगा जब भी हेडफोन ईयरफोन को बाई करते हो तो वहां पर लिखा होता है एट एम एम नाइन एम एम टेन एम एम सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो हमेशा याद रखना ये जो दोस्तों जो ड्राइवर साइज है एट एम एम का नाइन एम एम का टेन एम एम का ये जो ड्राइवर साइज है दोस्तों जितना बड़ा होगा येस yes, जितना बड़ा ड्राइवर साइज होगा दोस्तों उतनी अच्छी दोस्तों आपको ईयरफोन या फिर हेडफोन में साउंड क्वालिटी और उतना ही बढ़िया आपको बेस देखने को मिलेगा तो ये जो छोटी सी चीज है हमेशा याद रखना ईयरफोन या फिर हेडफोन बाय करते अब हेडफोन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं इन हेडफोन्स, हेडफोन्स, हेडफोन्स। ऑन ओवर तो चलिए एक एक करके इन सभी हेडफोन टाइप्स के बारे में जान लेते हैं इनके प्रॉज एंड कॉन्स जान लेते हैं उसके बाद आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस टाइप का हेडफोन बाय करना चाहिए नंबर वन इन ईयर हेडफोन्स वेल well, दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इन ईयर हेडफोन जो आपके कानों में आ जाते हैं तो जितने भी हेडफोन्स आप इस्तेमाल करते हो जो कि वायर्ड होते हैं कुछ वायरलेसली होते हैं जो आपके कानों में आ जाते हैं दोस्तों उन्हें हम इन ईयर हेडफोन्स कहते हैं ऐसे ईयरफोन का दोस्तों जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों वो ये है कि ये पोर्टेबल होते हैं और साथ में लाइट वेट भी होते हैं मतलब आप इसे कहीं भी, भी ले जा सकते हैं बट दोस्तों इन ईयरफोन्स में दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी डाउन होती है थोड़ी सी बेकार होती है क्योंकि दोस्तों इनमें जो ड्राइवर साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है आपने नोटिस किया होगा इन ईयरफोन्स में जो आपके कानों में आ जाते हैं उनका जो दोस्तों जो मैग्नेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है बहुत ही छोटा यहाँ पे इसमें ड्राइवर साइज आपको देखने को मिलता है इसी वजह से दोस्तों इनकी जो साउंड क्वालिटी होती है इनमें जो साउंड बेस होता है दोस्तों वो इतनी बढ़िया नहीं होती दूसरे हेडफोन्स के मुकाबले तो सिंपल में कहूं तो दोस्तों इस टाइप के जो ईयरफोन्स होते हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं जो लंबे समय तक यहाँ पर ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं जैसे कि मूवीज़ देखने के लिए वीडियोज देखने के लिए या फिर सॉन्ग सुनते हैं बहुत लंबी देर तक यहाँ पर और उन्हें चार्जिंग की टेंशन नहीं चाहिए एंड हाँ इसके अलावा जो लोग देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं

TWS का फुल फॉर्म है ट्रू वायरलेस स्टीरियो वेल well, दोस्तों इस तरह के जितने भी ईयरफोन्स होते हैं दोस्तों वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इन ईयरफोन्स के मुकाबले हां ये थोड़े से स्टाइलिश भी होते हैं पोर्टेबल भी होते हैं बट दोस्तों इनमें एक कमी होती है कि इन्हें आपको दोस्तों बार बार चार्ज करना पड़ता है तो टी डब्ल्यू एस ईयरफोन दोस्तों उन लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं दोस्तों जो जिम करते हैं जो जिम में यहां पर म्यूजिक का सुनना चाहते हैं ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए टी डब्लू एस ईयरफोन दोस्तों बेस्ट माने जाते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना है यहां पर गुड लुकिंग दिखना है यहां पर ईयरफोन्स लगा के तो ऐसे में आप टी डब्ल्यू एस ईयरफोन को यूज कर सकते हैं बट अगर दोस्तों आप टी डब्ल्यू एस ईयरफोन को गेमिंग के लिए यूज करते हो तो गेमिंग के लिए दोस्तों जो टी डब्ल्यू एस ईयरफोन है वो बेस्ट नहीं माना जाते क्योंकि दोस्तों इनमें जो लेटेंसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती जिससे आपको दोस्तों जो रियल टाइम साउंड है वो अच्छा नहीं मिल पाता इसी वजह से दोस्तों यहां पर गेमिंग के लिए टी डब्ल्यू एस ईयरफोन अच्छा नहीं माना जाता इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप आता है हेडफोन का दोस्तों वो है ऑन ईयर हेडफोन्स और ओवर ईयर हेडफोन्स वेल दोस्तों जनरली दोस्तों इस टाइप के दोस्तों जो हेडफोन्स होते हैं वो गेमर्स के लिए और जो हार्डकोर म्यूजिक लवर है जो काफी ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए इस टाइप के दोस्तों जो हेडफ़ोन्स है है वो बेस्ट माने जाते हैं यस yes, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और यस हैवी भी होते हैं सिंपल में दोस्तों मैं आपको ऑन ईयर और ओवर तो ईयर हैं और जो ओवर कानों को ढक लेते हैं ताकि आपके बाहर की बाहर का जो है, किसी भी तरह का साउंड सुनाई ना दे और ये उन लोगों के लिए बेस्ट माना जाता है दोस्तों जो एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं और इसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद है और ये दोस्तों इस टाइप के दोस्तों जो हेडफोन्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो ड्राइव

टाइप वाले अगर आप ईयरफोन बाय करोगे तो कुछ समय बाद दोस्तों आपके ईयरफोन का कुछ ऐसा हल हो जाएगा तो ईयरफोन और हेडफोन के केबल्स में भी आपको टाइप्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि राउंड प्लास्टिक केबल फ्लैट केबल्स और नाइलॉन ब्रेडेड केबल्स तो सिंपल है दोस्तों इन तीनों केबल टाइप्स के अपने अपने फायदे हैं तो अपने अपने नुकसान है तो सबसे पहला दोस्तों जो राउंड प्लास्टिक केबल्स है दोस्तों ये थोड़े से सस्ते होते हैं लेकिन दोस्तों इनकी जो क्वालिटी होती है वो खराब होती है और कुछ टाइम बाद दोस्तों इस टाइप के दोस्तों जो केबल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं लेकिन दोस्तों आपने नोटिस क्या होगा दोस्तों ये जो प्लास्टिक राउंड केबल्स होते हैं दोस्तों इनमें दोस्तों जो टेंगल्स है जो उलझने हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी आ जाता है और कई बार तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि यार इतने सारे यहां पर ये उलझन कैसे आ गया हमने तो नहीं किया तो उसे आपको बार बार यहां पर अन करना पड़ता है तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों दूर करने के लिए मार्केट में फ्लैट वायर ईयरफोन्स लाए गए हैं जिसे दोस्तों बेसिकली हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि दोस्तों टेंगल फ्री ईयरफोन्स इनमें दोस्तों किसी भी तरह के दोस्तों ये जो उलझने होती हैं या फिर कह लो टेंगल्स होते हैं वो नहीं आते हैं और ऑफकोर्स इनकी दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो स्लाइटली बेटर होते हैं यहां पर प्लास्टिक राउंड वाले केबल वाले ईयरफोन से तीसरा टाइप है दोस्तों ब्रेडेड केबल्स इस टाइप के दोस्तों के ईयरफोन में वो दोस्तों वो, दोस्तो, दोस्तो, वो जल्दी खराब नहीं होते यहां पर प्लास्टिक के कंपेरिजन में या फिर फ्लैट केबल्स के मुकाबले वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला तो लाइक जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है चल को सब्सक्राइब कर लेना बेल पर दबा के रखना फ्री है ऐसे ही वीडियोस के लिए हां मिलता हूं मैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय